महीने पहले हुई थी शादी और हो गया बच्चा। लड़की वालों ने बताया था गैस के चलते फूला है पेट। पंजाब के होशियारपुर जिले के माहिलपुर में एक परिवार के बेटे की एक महीना पहले शादी हुई। गुरुवार को अचानक बहू की तबीयत खराब हुई तो परिवार उसे सिविल अस्पताल ले आया। रात करीब 11 बजे बहू ने एक बेटे को जन्म दिया। इसके बाद परिवार ने बदनामी के चलते बच्चा घर ले जाने से इनकार कर दिया और गुपचुप तरीके से बच्चे को सौंप दिया। इसके बाद यह बात फैल गई कि महिला कर्मी ने एक बच्चे को 60,000 रुपए में बेच दिया है। वहीं हंगामे होने के चलते महिला ने कहा कि उसने बच्चा बेचा नहीं है। मामला उस वक्त तब और बढ़ गया जब बच्चे की छानबीन शुरू हुई। नवजात बच्चा माहिलपुर सिविल अस्पताल से 4 किलोमीटर दूर गांव कैंडोवाल में एक परिवार के पास मिला। जिस दंपति के पास बच्चा था उनके बेटे की शादी को 7 साल हो चुके थे, उसकी कोई संतान नहीं थी। परिवार का कहना था कि उन्होंने बच्चा खरीदा नहीं है बल्कि गोद लिया है। पूरे दिन हंगामा होने के बाद भी नहीं पता चल सका कि बच्चा दंपति के घर कैसे पहुंचा। जिस परिवार ने बच्चा महिला कर्मी को सौंपा था उनका कहना है कि उनके बेटे की शादी चमकौर साहिब में महीना पहले हुई है। उस समय भी बहू का पेट उभरा हुआ था, लेकिन उसके परिवार ने कहा कि लड़की के पेट में गैस बनती है। एक महीने बाद ही बच्चा पैदा होने पर उनकी बदनामी होती, इसलिए बच्चा महिला कर्मी गुरमेल कौर को दे दिया। SMO सुनील आहिर ने बताया कि इस मामले की जांच करेंगे। अगर इसमें महिला कर्मचारी की कोई भूमिका पाई गई तो विभागीय नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।